और चलिए इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति से मिले सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, राष्ट्रपति को गीता महोत्सव का दिया न्योता। सरकार के 8 साल की उपलब्धियों की बुकलेट भी सौंपी गई। तो अहम खबर, जहां सीएम मनोहर लाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते नजर आए, और वहीं आपको बता दें 8 साल की उपलब्धि की बुकलेट के साथ साथ ही गीता महोत्सव का निमंत्रण भी सौंपते नजर आए। तस्वीरें मुलाकात की आप देख सकते हैं, तो ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें, जब सीएम मनोहर लाल जो हैं वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां आपको बता दें वहां पहुंच गीता महोत्सव के लिए भी न्योता देते हुए नजर आए। सरकार के 8 साल की उपलब्धि की बुकलेट भी सौंपते नजर आए। आपको बता दें कि कल सीएम मनोहर लाल ने सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना रिपोर्ट कार्ड वो पेश करते नजर आए थे। इस सबके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की, वहीं मुलाकात कर गीता महोत्सव का निमंत्रण भी दिया, और साथ ही साथ 8 साल की जो तमाम उपलब्धियां हैं उसके लिए बुकलेट बनाई गई, वो बुकलेट भी वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिखाते देते नजर आए। तो ये काफी अहम मुलाकात मानी जा सकती है, कई अहम विषयों पर चर्चा भी हुई है। पूरे 8 साल हरियाणा में बीजेपी सरकार को हो गए हैं, मनोहर सरकार को हो गए हैं, और उसको लेकर के सीएम मनोहर लाल के द्वारा इस 8 साल की पूरी पेशकश की गई, पूरी बुकलेट दी गई, किस प्रकार से क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ विकास प्रदेश में देखने को मिला, उसी के उपलक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक विषय पर नजर डालते हो नजर आए।